यूथ जब पावर्स की फंक्शंस और एक्सरसाइजेस देखती है तो वो कॉप लाइट जो कि नीली बत्ती होती है उसका अपना एक असर है, हम ओलाम कॉम है हमारे ऊपर अभी तक असर है। हालांकि गाड़ी बंद थी, एक फ़ोन किया, गाड़ी छुड़ा दी, काले शीशों पे कोई कुछ नहीं कहता, ये भी एक प्रिविलेज हम समझते हैं। ये चूंकि अंग्रेज ने बनाया था ये सिस्टम और ये इंडियन सिविल सर्विसेज कहलाता था जब तक पाकिस्तान नहीं बना था। फिर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज हो गया, जब पाकिस्तान बना तो CSS बना। CO जमानत दिलवानी है, किसी चीज़ की गारंटी करवानी है, कहीं एडमिशन करवाना है तो पहले बोलते थे कि किसी गजेटेड ऑफिसर से साइन कराओ। सबसे पहले है फॉरेन ऑफिस कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो वी गिव यू दी अपॉर्चुनिटी कि आप फॉरेन ऑफिस में ज्वाइन कर सकें। बिल्कुल, ये चूंकि अंग्रेज ने बनाया था ये सिस्टम और ये इंडियन सिविल सर्विसेज कहलाता था जब तक पाकिस्तान नहीं बना था, ICS कहा जाता था। इसमें कमीशन्ड अफसरान को लिया जाता था और इसका प्रोसेस ऑफ जो अपॉइंटमेंट था वो बड़ा ही एक कॉम्पिटेंसी के ऊपर बेस करता था। यानी कि आपको एक पैटर्न सिलेबस दे दिया जाता था कि ग्रेजुएशन के बाद ये सिलेबस है, इसमें आप फलां फलां सब्जेक्ट्स और फलां फलां नंबर्स के साथ चुन सकते हो और आपने इसकी तैयारी करनी होगी। जो ही आप तैयारी करेंगे तो आपका इंटरव्यू होगा, तो आपकी फ़िज़िकल जो आपके बॉडी लैंग्वेज है और आपका कॉन्फिडेंस है, आपका आई कॉन्टैक्ट है, आपके जेस्चर्स हैं, वो तो वो लोग इंटरव्यू में देख लेते थे। और जो आपका प्रोपोजिशन ऑफ द टेक्स्ट जो आपने पेपर में दिया होता था वहाँ पे जब आप पास हो जाते थे उसको आपके बोल चाल से देखते थे कि कन्फिगुरेटेड कितना है, इक्वल कितना है, तो फिर आपको वो 17 ग्रेड पे लगा देते थे। फिर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज हो गया, जब पाकिस्तान बना तो CSS बन गया। तो ये कमीशन्स बनती हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो सेंटर में बनी हुई है ये उसके अंडर होता है ये एग्ज़ाम। इसी के पैटर्न पे, इस जैसा तो नहीं बट छोटे लेवल पे, फिर प्रोविंसेस में पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, सिर्फ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। अब एक कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं, एक नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं, यानी जिनको एक आप गजेटेड ऑफिसर कहते हैं कि अगर आपको किसी से या किसी को जमानत दिलवानी है, किसी चीज़ की गारंटी करवानी है, कहीं एडमिशन करवाना है तो पहले बोलते थे कि किसी गजेटेड ऑफिसर से साइन कराओ। गजेटेड मीन्स सर्टिफाइड फ्रॉम द गवर्नमेंट एज अ 17 ग्रेड वर्किंग एंड पोस्टेड, तो वो आपको स्टैंप लगा देता था, ये एक प्रिविलेज थी। उसके साथ साथ प्रिविलेजेस ये थे कि इसके जो ग्रुप्स बनाए गए हैं वो मैं नाज़रीन के लिए एक दफ़ा बता देना चाहता हूँ कि जब ये सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज बना तो इसके प्रोज और कॉन्स मैं दोनों बता देता हूँ, तो अच्छा है स्टूडेंट्स को पता लग जाएगा। देखें, इसके जो फ़वाद हैं वो ये हैं कि आप जब CSS के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं तो सब्जेक्ट्स और ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। वो कहते हैं कि जी अगर आप CSS में 1200 रिटर्न नंबर्स में से, सॉरी 1500 टोटल नंबर हैं, उसमें से 1200 जो हैं गालिबन सब्जेक्ट्स के होते हैं, बाकी साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ग्रुप वो है, ग्रुप टास्क होता है कोई, और एक इंटरव्यू होता है, इसके नंबर होते हैं, मेरा ख्याल है मिला के 1500 मार्क्स हैं, अल्लाह मुझे कमी बेशी माफ, लेकिन ये 1200 सब्जेक्ट्स का मैं कंफर्म हूँ कि 1200 नंबर है। अब उस पे कहा क्या जाता है कि आप जनाब CSS के लिए ऑक्यूपेशनल ग्रुप, अगर उज़ैर ने CSS क्वालिफाई कर लिया और अच्छे नंबरों में कर लिया, मिसाल के तौर पर 1200 में से 900 मार्क्स ले लिया और फिर इंटरव्यू में भी टॉप पे रहा, फिर ये सारे टेस्ट में टॉप पे रहा, तो अब उज़ैर यू आर द चूज़र,
अब आप बताओ, ये एट द टाइम ऑफ फॉर्म सबमिशन पहले से ही ले लेते हैं आपसे। सबसे पहले फॉरेन ऑफिस कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो वी गिव यू दी अपॉर्चुनिटी कि आप फॉरेन ऑफिस में ज्वाइनिंग दे सकते हैं। नंबर दो पे पुलिस था, अभी मुझे नहीं पता। नंबर तीन पे कस्टम्स, पहले एक दफ़ा एक हमारे दौर में यह था, दूसरे या तीसरे तीसरे नंबर पे फॉरेन ऑफिस शुरू से पहले नंबर पे रहा है, दूसरे या तीसरे नंबर पे डीएमजी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, ये बहुत इम्पोर्टेंट समझा जाता था जब तक पावर्स थी। और वो मैं नाज़रीन को बताता चलूँ, पुलिस सर्विस मैंने बता दी है, ये जो डीएमजी है डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, ये बेसिकली असिस्टेंट कमिश्नर जो लगता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उस वो अपनी पावर्स जो है एक्सरसाइज करता था। ख़ासकर बलूचिस्तान के अंदर ये होता था कि सिविल जज और जुडिशल मैजिस्ट्रेट नहीं थे 1998 से पहले, तो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट जो था वो असिस्टेंट कमिश्नर ही होता था। तो असिस्टेंट कमिश्नर एट वन एंड द सेम टाइम्स दो पावर इंजॉय कर रहा होता था 17 ग्रेड पे, यंग ऑफिसर। एक जगह पे तो वो लिवाई टैक्स इकट्ठा करता था, रेवेन्यू इकट्ठा करता था, दूसरी जगह पर वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज में पुलिस और लिवीज फोर्स को ऑर्डर दे सकता था, यानी एग्जीक्यूशन में एग्जीक्यूटिव। तीसरे नंबर पर फिर उसकी अदालत में मुजरिम पेश होते थे एज ए सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। तो असिस्टेंट कमिश्नर कम सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। फिर 1998 में जब जुडिशल लॉ कॉलेजेस बने और जुडिशल एकेडमीज बनी, तो जुडिशल मैजिस्ट्रेट और सिविल जज, क्योंकि जुडिशल मैजिस्ट्रेट का आपको पता होगा क्रिमिनल केसेस डील करते हैं, सिविल जज जो है वो सिविल केसेस जो दीवानी मुकदमात होते हैं, प्रॉपर्टी से, जायदाद से, फैमिली से, बैंकिंग से रिलेटेड जो कोर्ट्स होती हैं। तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये जो बच्चे थे जिनको असिस्टेंट कमिश्नर लगाया जाता है, इनसे फिर 2000 के आसपास में वो इख्तियारात भी ले लिए गए। भुट्टो साहब के दौर से पहले सीएसएस का चार्म और इसके पावर्स कुछ और थे, बहुत ज़्यादा थे। भुट्टो साहब ने आके उनके पावर्स बहुत ज़्यादा कम कर दिए, यानी बहुत हद तक कम कर दिए। फिर भुट्टो साहब के बाद जब मुशरफ साहब आए तो इन्होंने भी डेवोल्यूशन प्लान के तहत, यानी एक तो जुडिशल मजिस्ट्रेट और सिविल जज ले आया वो, दूसरा उन्होंने क्या किया, ये नाजिम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको बेसिक डेमोक्रेट्स कहते हैं। ये हर फौजी अपने दौर में लाता है, जवाहर साहब के ज़माने में नाजिम सलात कमेटी, नाजिम ज़कात कमेटी, इस तरह के लोग होते थे। और काउंसलर्स थे, फिर काउंसलर्स का एक मेयर था। उससे पहले अयूब खान के दौर में बेसिक डेमोक्रेट्स हुआ करते थे कि भाई डोर स्टेप्स पे आपको सब कुछ देंगे। और मुशर्रफ साहब के दौर में नाजिम सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। तो जो हमारा चेन ऑफ कमांड और हायरार्की है यूनियन को संभालने से लेके एक कम्युनिटी को, फिर टाउन, टाउन फिर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट फिर डिवीजन, डिवीजन फिर प्रोविंस, तो उस तरह से ये जो 17 ग्रेड का ऑफिसर है ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट होता है। वो फिर नीचे जो उसका टाउन है और जो उसकी वो है यूनियन, वो उसके अंडर आती है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये बड़ा अट्रैक्टिव समझा जाता था जब तक इसके पास पावर्स थी पुलिस के बाद। फिर इसके बाद ऑफिस मैनेजमेंट एक ग्रुप था ओएमजी, उसमें फिर ये है कि आप सेक्शन ऑफिसर लग गए, डिप्टी सेक्रेटरी लग गए, सेक्रेटरी लग गए, एडिशनल सेक्रेटरी, यानी प्रमोट हो के आगे आगे जाते। फिर एक्साइज एंड टैक्सेशन है, उसमें आपकी अपॉइंटमेंट हो सकती है एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। फिर कस्टम्स के अंदर आपकी 17 ग्रेड पे एज एन असिस्टेंट कलेक्टर आपकी हो सकती है 17 ग्रेड। तो अब इसके पर्सपेक्टिव दो थे जो आज दिन तक हैं। यूथ जब टिकटॉक उठा के देखती है, यूथ जब पावर्स की फंक्शंस और एक्सरसाइजेस देखती है, तो वो कॉप लाइट जो कि नीली बत्ती होती है उसका अपना एक असर है। हम गुलाम कौम है, हमारे ऊपर अभी तक असर है। काले शीशों पे कोई कुछ नहीं कहता, ये भी एक प्रिविलेज हम समझते हैं। सिग्नल तोड़ ना तोड़ने से ज़्यादा सिग्नल तोड़ने पे हम फख्र महसूस करते हैं।
तो वो जो यूथ है वो टिल्ट कर रही है उस तरफ कि यार मुझे कोई ना कोई पावर भी मिलेगी, सोसाइटी के अंदर रिकग्निशन भी मिलेगी, और जो रिस्पेक्ट मैं चाहता हूँ कि मुझे प्रोटोकॉल्स के साथ मिले वो मुझे मिलेगी। तो ये CSS का दरवाज़ा जो है, 9 या 10 ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं, उसमें से सबसे नीचे जो है पोस्टल है, पोस्टल पोस्ट ऑफिसेस वाला, उससे एक ऊपर मेरा ख्याल है रेलवे है, उससे थोड़ा ऊपर आप जाएंगे तो फिर आपको ये सेक्रेटेरिएट जॉब मिलेंगी, फिर ऑडिट एंड अकाउंट्स का एक डिपार्टमेंट है इनका। तो ये ग्रेजुअली ये जो ग्रुप्स हैं ऊपर से नीचे चले आते हैं। तो ये वाकई है ऐसी कि कोई भी गरीब बच्चा भी अगर तैयारी कर ले तो पाकिस्तान में, जो मैंने फ़वाद की तरफ इस वक्त फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो इंशाल्लाह बग़ैर सिफारिश के, मतलब इंटरव्यू वगैरह पास करके, ही कैन बी अ CSP ऑफिसर। इट्स नॉट अ फार क्राई, एंड एज़ पर हिज़ परफॉर्मेंस, जो मैंने आपको कहा कि कोई हाईएस्ट मार्क्स ले ले तो नाउ ही इज़ द चूज़र। तो अगर उसने एट द टाइम ऑफ फॉर्म सबमिशन टिक मार्क किया हुआ है कि आई वुड लाइक टू बी इन फॉरेन ऑफिस, तो वो लग जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स उसको लेती है, 17 ग्रेड में आ जाता है, एक्सपोजर मिलना शुरू हो जाता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर अच्छे ताल्लुकात हों उसके ऊपर भी और अपने से नीचे भी और अपने अराउंड सराउंड में भी, तो उन ताल्लुकात के अच्छी गुडविल जेस्चर के कॉन्टेक्स्ट में उसको एक 10 साल, 8 साल, 5 साल में बाहर मुल्क भेज दिया जाता है। फिर बाहर मुल्क के अंदर वो फॉरेन ऑफिस में पाकिस्तान का जो काउंसलेट जनरल होता है, जो काउंसल जनरल ऑफिस होता है या एम्बेसी होती है, उसमें वहाँ पे काम करता है। तो अब आप सोच लें, दुबई से लेके कनाडा तक यू कैन बी पोस्टेड एनीवेयर। तो अब आप दुनिया का मुफ्त चक्कर लगा लेते हैं, दुनिया को एक्सप्लोर कर लेते हैं, बच्चों को एक्सपोजर दे देते हैं और आपके खुद का एक लेवल डेवलप हो जाता है। इसी तरह से अगर कोई असिस्टेंट कमिश्नर लगता है उसका अपना एक एक्सपोजर होता है, एक सर्विसेज क्लब में एंट्री हो जाती है आपकी, ब्यूरोक्रेटिक कल्चर में आप आ जाते हैं, आपका उठना बैठना जो है वो ऐसे लोगों में शुरू हो जाता है, पहले आपको कोई पूछता नहीं था, अब आपके हर बंदा वाह वाह कह रहा है, कोई आपको पहले दावत में नहीं बुलाता था, वलीमे में नहीं बुलाता था, अब एवरीबडी इज़ थिंकिंग कि यार इस्लामाबाद का डिप्टी कमिश्नर जो है मेरा भांजा लग चुका है, वो भूल ना जाना उसको वलीमे में ज़रूर बुलाना, क्योंकि ख़ुद भी आप अच्छा महसूस करते हो, पावरफुल महसूस करते हो और अपने अतराफ को भी कहलाते हो कि ये मेरा भांजा है, ये मेरा भतीजा है जो कि इस वक्त डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, और वो DC साहब जब खुद आते हैं वो भी प्रिविलेज महसूस करते हैं। तो जो यूथ है वो जब इधर मीडिया पे देख रही है, सोशल मीडिया पे कि यार फलां बंदा असिस्टेंट कमिश्नर है, फलां बंदा ASP है, फलां बंदा कस्टम्स का असिस्टेंट कलेक्टर है, फलां बंदा ऑडिट एंड अकाउंट्स में है, फलां बंदा जो है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन में है, यार फलां की गाड़ी बंद थी, एक फ़ोन किया गाड़ी छुड़ा दी, डॉक्टर साहब ने इतनी इज्जत दी, अब्बू को पहले टाइम नहीं मिलता था हमें, अब जब से हमारी बहन लगी है फलाने जगह पे तो अब तो हमें एक फ़ोन करते हैं, यार घर भी मिल गया, नौकर भी मिल गया, कुक भी मिल गया, बाज़ को जो जिन जिन को पोस्ट की बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ उनमें तो गाड़ी भी मिल जाती है, फ्यूल का भी एक लिमिट मिल जाता है। तो आप उस कल्चर में जब आ जाते हो ब्यूरोक्रेटिक, तो आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करते रहते हो और आपको कुछ चीज़ें फॉलो करनी होती है, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बना है, पहले इसको कहते थे, मुझे भूल गया, याद आएगा तो वो बता दूंगा, ये नेशनल इंस्टीट्यूट निम के नाम से है, और इसमें आपके 17 ग्रेड्स ऑनवर्ड्स के जो मैनेजमेंट कोर्सेज होते हैं वो जब आप कर लेते हैं डिपार्टमेंट, तो आपकी जब बोर्ड बैठता है चीफ सेक्रेटरी के अंडर, तो फिर आपकी ACRs एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है वो जाती है, आपका एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है वो आपका इमीडिएट बॉस लिखता है। फॉर इंस्टेंस आप DC हैं तो कमिश्नर लिखेगा, आप कमिश्नर हैं तो आपका सेक्रेटरी होम लिखेगा इसको, ठीक है, और आप AC हैं तो आपका DC लिखेगा। अब आपके उनके साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, अच्छा आपने ड्यूटी परफॉर्म की होगी, तो आपका एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बहुत अच्छी लिखेगा। उसकी बुनियाद पर और मैनेजमेंट कोर्स की बुनियाद पर और फिर जो बोर्ड बैठेगा उसकी बुनियाद पर और आपकी सीनियरिटी की बुनियाद पर और अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद पर फिर आप बहुत क्विक प्रमोट हो रहे हो। तो 17 ग्रेड का मज़ा देख के आप फिर 18 ग्रेड में जाते हो, फिर 18 ग्रेड से ऑनवर्ड आप APUG में चले जाते थे पहले, अभी तो मेरा ख्याल है वो कोई मसला ही नहीं है, ऑल पाकिस्तान यूनिफाइड ग्रुप, यानी ये जब 18 ग्रेड से नीचे आप होते थे और प्रोविंशियली सिलेक्ट होते थे CSS के थ्रू नहीं, तो आपकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र उसी सूबे के अंदर हो सकती थी, लेकिन 18 के बाद अगर आपने कुछ सर्टन कोर्सेज किए हैं तो फिर आपको ये इजाज़त होती थी कि आप सिफारिश से अपने आप को इस्लामाबाद भी पोस्ट कर सकते थे, कराची भी। सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज में ये डे 1 से है,
कि यू कैन बी पोस्टेड एनी वेयर इन पाकिस्तान।